आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। योहन रचित सुसमाचार अध्याय एक वाक्यांश एक। जी हाँ साथियों, आज 27 दिसंबर संपूर्ण कलीसिया संत योहन का पर्व मनाती है। संत योहन जबेदी के पुत्र हैं और उनके भाई का नाम याकूब है। वे पहले योहन बपतिस्ता के साथ, जो प्रभु यीशु के कजन ब्रदर थे, उनके साथ शिष्य के रूप में कार्य कर रहे थे। जब प्रभु यीशु गलीली सागर के पास टहल रहे थे तो उन्होंने अपने इन शिष्य को, यानी कि योहन को, अपने भाई याकूब के साथ मछली पकड़ते हुए समुद्र के किनारे देखा और उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और जब से संत योहन ने प्रभु यीशु का अनुसरण किया, वे उनके प्रिय शिष्य कहलाए। और यही कारण है कि प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य होने के कारण उन्हें सौभाग्य मिला कि प्रभु के कार्यों को वे अपने आँखों से देख सकें, अपने हाथों से छू सकें और वे अपने अनुभव को अपने पुस्तक में, यानी कि संत योहन रचित सुसमाचार में और प्रकाशना ग्रंथ में लिख पाए। उनके मुख्य जो अनुभव थे वो इस प्रकार थे, जैसे जेरूस की बेटी को जिलाना, पवित्र पर्वत पर प्रभु का रूपांतरण और गेत्सेमने की बारी में प्राण पीड़ा के समय योहन का उनके साथ रहना। अंतिम भोजन कक्ष की तैयारी के लिए भी प्रभु ने पेत्रुस के साथ योहन को ही भेजा। अंतिम भोजन के उन गंभीरतम क्षणों में योहन को, जो प्रेरितों में सबसे छोटे थे, प्रभु ने अपनी छाती पर सिर झुकाने का यह सौभाग्य उन्हें प्रदान किया। 3 वर्षों तक प्रभु के साथ रहते रहते उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी और उनका अनुभव किया। ईश्वर के विषय में महान सच्चाइयां, गूढ़ रहस्यों तथा मनुष्य के प्रति ईश्वर पिता के असीम प्रेम का गहरा अनुभव उन्होंने किया। साथियों, वो अपने प्रभु को इतना अधिक प्यार करते थे कि संसार की कोई शक्ति उन्हें अपने प्रभु से अलग नहीं कर सकती थी। प्रभु के पकड़वाए जाने की रात को केवल योहन प्रभु के साथ महायाजक के प्रांगण में चले गए और द्वारपालिनी से कहकर पेत्रुस को भी अंदर ले गए। प्रभु के दुखभोग के समय योहन शुरू से अंत तक उनके साथ रहे। माता मरियम के साथ वे भी क्रूस के नीचे खड़े रहे। यहाँ तक कि मरते हुए प्रभु ने अपनी निष्कलंक माता को अपने इस प्रिय शिष्य योहन के संरक्षण में सौंपा। साथियों, प्रभु के पुनरुत्थान के प्रभात में मरियम मग्दलीना से संदेश पाकर पेत्रुस और योहन, जो प्रभु के शिष्य थे, प्रभु की खाली कब्र को देखने के लिए दौड़ पड़े। कब्र के अंदर देखने के बाद योहन ने सर्वप्रथम प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया। गलीली सागर के तट पर जब प्रभु पुनर्जीवित प्रभु ने प्रेरितों को दर्शन दिए, तब योहन ने ही सबसे पहले उन्हें पहचाना। प्रभु के स्वर्गारोहण के समय योहन उनके साथ थे। साथियों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात योहन अपने साथी प्रेरितों के साथ में यरूशलेम में ही रहे और प्रभु के सुसमाचार के साक्ष्य बनते गए। लेकिन अत्याचार बढ़ता गया और इस अत्याचार के कारण सभी शिष्य बिखर गए, लेकिन प्रेरित योहन माता मरियम को अपने साथ लेकर के एशिया माइनर चले गए। वहाँ पर एफेसस को केंद्र मानते हुए योहन ने 7 कलीसियाओं की, यानी 7 चर्चेस की स्थापना की। वहाँ रहते हुए उन्होंने प्रभु को जो अनुभव किया था उसका आत्मिक दर्शन पाते हुए उन्होंने आध्यात्मिक रचनाएं की। उसे प्रेम की रचना भी कहा जाता है, जिसे आज हम संत योहन रचित सुसमाचार कहते हैं। इसमें पिता ईश्वर के प्रेम का वर्णन निम्न शब्दों में किया गया है, जो संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। साथियों, रोमी सम्राट की
अत्याचार की वजह से वे अधिक पीड़ामय जीवन जीने लगे और यहाँ तक कि उस रोमी सम्राट ने उन्हें मृत्युदंड के रूप में उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का आदेश दिया। जब उनके सैनिकों ने ऐसा किया, ईश्वर की अद्भुत कृपा संत योहन पर रही और वे सुरक्षित बच निकले। इस बात से क्रोधित होकर के रोमी सम्राट ने उन्हें देश निकाला कर दिया। जब वे एकांतमय जीवन जी रहे थे तो वहाँ पर उन्हें ईश्वर का प्रकाश मिला और इस प्रकार उन्होंने प्रकाशना ग्रंथ की रचना की। साथियों, रोमी सम्राट के देहांत के बाद में योहन पुनः एफेसस आए और वहाँ पर वे अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहे। साथियों, संत योहन ने अपने तीन पत्रों में जो ईश्वर को समर्पित थे, पूर्ण रूप से ईश्वर का प्रेम जो उन्होंने अनुभव किया उसी को बांटने में लगाया। और यही कारण है कि संत योहन अपने पूरे सुसमाचार में, प्रकाशना ग्रंथ में और अपने पत्रों में ईश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम और उसके बीच में मध्यस्थ के रूप में प्रभु येसु के आगमन को दर्शाते हैं। और प्रभु प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, यही बात शुरू से अंत तक बताते हैं। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में वे सुसमाचार का प्रचार करते हुए बच्चों से यही आग्रह करते थे कि प्रभु का प्रेम बांटे, प्रभु का प्रेम का अनुभव करें। साथियों, 97 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। वे ही एक ऐसे संत हैं जिन्हें शहीद नहीं बल्कि साधारण मृत्यु प्राप्त हुई। आज 27 दिसंबर को हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिखे रचनाओं को याद करते हैं। उनकी रचनाओं के माध्यम से हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें, यही हमारी आशा और अपेक्षा है। धन्यवाद।